फ्रांसीसी क्रांति 14 जुलाई 1789 की सुबह पेरिस नगर में आतंक का माहौल था। सम्राट ने सेना को शहर में घुसने का आदेश दे दिया था। अफवाह थी कि वह सेना को नागरिकों पर गोली चलाने का आदेश देने वाला है। लगभग 7,000 मर्द और औरतें टाउन हॉल के सामने एकत्र हुए और उन्होंने एक जनसेना का गठन करने का निर्णय किया। हथियारों की खोज में वे बहुत से सरकारी भवनों में जबरन प्रवेश कर गए। नमस्कार, हम पढ़ रहे हैं फ्रांसीसी क्रांति अध्याय 1। अंततः सैकड़ों लोगों का एक समूह पेरिस नगर के पूर्वी भाग की ओर चल पड़ा और बास्टिल किले की जेल को तोड़ डाला, जहां भारी मात्रा में गोला बारूद मिलने की संभावना थी। हथियारों पर कब्जे की इस सशस्त्र लड़ाई में बास्टिल का कमांडर मारा गया और कैदी छुड़ा लिए गए। यद्यपि उनकी संख्या केवल 7 थी, सम्राट की निरंकुश शक्तियों का प्रतीक होने के कारण बास्टिल किला लोगों की घृणा का केंद्र था। इसलिए किले को ढा दिया गया और उसके अवशेष बाजारों में उन लोगों को बेच दिए गए जो इस ध्वंस को बतौर स्मृति चिन्ह संजोना चाहते थे। इस घटना के बाद कई दिनों तक पेरिस तथा देश के देहाती क्षेत्रों में कई और संघर्ष हुए। अधिकांश जनता पावरोटी की महंगी कीमतों का विरोध कर रही थी। बाद में इस दौर का सिंहावलोकन करते हुए इतिहासकारों ने इसे एक लंबे घटनाक्रम की ऐसी शुरुआती कड़ियों के रूप में देखा जिनकी परिणति फ्रांस के सम्राट को फांसी दिए जाने में हुई। हालांकि उस समय अधिकांश लोगों को ऐसे नतीजे की उम्मीद नहीं थी। ऐसा क्यों और कैसे हुआ?